असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास आज हम स्टडी करेंगे पैरल कंबिनेशन ऑफ रजिस्टर्स तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी and द टॉपिक 14.9 पॉइंट नाइन कंबिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे पैरल कंबिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रजिस्टर्स जो है वो पैरल अटैच है और ये फर्दर कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ सो नाउ बैटरी के सपोज के वी वोल्टेजेस हैं और यहां पर एक स्विच है रिप्रेजेंटेड बाय के और इन रजिस्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट्स दिस इज आर वन रजिस्टर आर टू एंड सिमिलरली दिस इज आर थ्री सो पैरल केस में करंट हमेशा डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेजेस सेम रहते हैं ट मींस के जो वोल्टेज यहां से सप्लाई हो रहे हैं वही वोल्टेज मूव करेंगे आर वन रजिस्टर में और वही वोल्टेज मूव करेंगे आर टू रजिस्टर में और वही सेम वोल्टेज मूव करेंगे आर थ्री रजिस्टर में लेकिन इन सब रजिस्टर में करंट डिफरेंट होता है सो so, इस केस में जो करंट होगा यहां पर जो करंट होगा दैट इज आई वन इस जगह जो करंट होगा दैट इज आई टू और इस जगह जो करंट होगा दैट इज आई थ्री क्लियर सो पैरल केस में वोल्टेज इज सेम है तो हम लिख सकते हैं एज वोल्टेज इज सेम इन पैरल कंबिनेशन सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू एंड इज इक्वल टू वी थ्री क्योंकि वोल्टेजेस सेम है लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है तो अगर हमने इस सर्किट में टोटल करंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम इन तीन रजिस्टर्स के करंट को एडअप कर लेंगे तो हमारे पास इस सर्किट का टोटल करंट आ जाएगा ओके सो द टोटल करंट In a circuit in a parallelly combined circuit is equal to the sum of current. पासिंग थ्रूच रजिस्टर सो हम सम कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आय वन प्लस आय टू प्लस आय थ्री नाउ

आई का फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू वी ओवर आर अब इस आई की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अब इक्वेशन में सो आई इज इक्वल टू आई वन आई वन इज वी वन ओवर आर वन एंड सिमिलरली आई टू इट इज जस्ट लाइक वी टू ओवर आर टू एंड आई थ्री दैट इज इक्वल टू वी थ्री ओवर आर थ्री अब क्योंकि हमने कहा कि वोल्टेजेस पैरल कम्बिनेशन में सेम होते हैं दैट्स वाई आप वी वन वी टू और वी थ्री की जगह आप सिर्फ उसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके सो वी ओवर आर वन प्लस वी ओवर आर टू एंड प्लस वी ओवर आर थ्री अब आप देख सकते हैं कि वी 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 वोल्टेज जो है वो कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं सो so, रिमेनिंग रह जाएगा वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन बाय आर थ्री अब यहां पर मेंशन था करंट आए अब क्योंकि इस केस में हम इन रेजिस्टर्स को जब सम करेंगे तो हम कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्विलेंट रेजिस्टर सो वी कैन रिप्लेस Combination of resistors with one single equivalent resistor. टेड बाई आर इक्वेलेंट ओके सो हम बिल्कुल दैट इज आई इज इक्वल टू वी ओवर आर सो हम इस आई तो की जगह पर हम इसका फॉर्मूला रिप्लेस कर देते हैं दैट इज वी ओवर आर इक्विलेंट ओके एंड अगेन वी मल्टीप्लाय बाय वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू एंड प्लस वन ओवर आर थ्री क्योंकि ये वी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा सो वी ओवर आर इक्वलेंट तो ये भी यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस आर टू प्लस वन बाय आर थ्री अब ये वी इस वी से कैंसल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास रह जाएगी वन ओवर आर इक्विलेंट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री क्लियर एंड दिस इज द फाइनल आर इक्विलेंट रेजिस्टेंस क्लियर इस तरह से हम इन तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबिनेशन में ऐड करके हम इक्विलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर दस the reciprocal of equivalent resistance, equivalent resistance Is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance. नाउ इन केस ऑफ एन रजिस्टर्स ओके अगर यहां पर एन रजिस्टर्स अटैच हो तब हम उन रजिस्टर्स को किस तरह से एडअप करेंगे इनकेस ऑफ एन रजिस्टर्स वन ओवर आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस 1 ओवर R3 थ्री एंड सो ऑन वन ओवर आर ओके इस तरह से हम n रजिस्टर्स को राशि प्रोकल लेकर उनको हम अप करेंगे तो हमारे पास एक इक्विलेंट का राशि प्रोकल में हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा क्लियर आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा साथ ही नीचे लिखा है कि पैरल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैव टू एडवांटेजेस ओवर सीरीज कंबिनेशन सो so, वो क्या है दैट इज ईच डिवाइस इन सर्किट रिस फुल बैटरी वोल्टेज कि वोल्टेजर लेट्स की एक बैटरी जो है वो 220 ट्वेंटी वोल्टेज सप्लाई कर रही है तो हमने डिस्कस किया कि पैरल में वोल्टेज सेम होते हैं तो हर डिवाइस को जो है वो बैटरी के पूरे वोल्टेजेस सप्लाई हो जाते हैं इस तरह से हर जो डिवाइस है वो फुल वोल्टेजेस रिसीव करता है क्लियर एंड सिमिलरली द सेकंड एडवांटेज ईच डिवाइस इन अ सर्किट में बी टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइसेज इन द सर्किट तो आप किसी भी एक डिवाइस का करंट स्टॉप कर सकते हैं और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका करंट फ्लो हो रहा होगा उसी सेम सर्किट के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसी पैरल कंबिनेशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए पैरोली वायरिंग की जाती है हमारे घरों के अंदर भी ताकि अगर कहीं भी किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आप सिर्फ उसी एरिया के सप्लाई को ऑफ करके आप उस जगह इजिली जो भी रिपेयर मेंटेनेंस जो भी होनी है वो आप कर सकते हैं और बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं या जितने भी एरियाज हैं आप उनमें इजिली सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं पैरवल सर्किट जो है ये बेहतर है एज कंपेयर टू सीरीज कंबिनेशन कि अगर सीरीज में लेट्स की किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सर्किट डिस्कनेक्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से बाकी भी जितनी अप्लायसेज हैं उन सबको भी आपको ऑफ करना पड़ता है क्लियर सो आई होप लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज